ये है एक्ट्रेस टर्न डीजे शिल्पी शर्मा। एक डीजे बनने से पहले शिल्पी नजर आई जो बोले सोनेहाल, स्टाइल और फैशन जैसी हिंदी फिल्मों में। एक्टिंग के साथ साथ इनका इंटरेस्ट म्यूजिक की तरफ बहुत ज्यादा था और एक दिन वक्त ने इन्हें एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक डीजे भी बनाया। मैं हमेशा म्यूजिक लवर रही हूँ और काफ़ी जगह जाती थी, काफ़ी लोगों को देखती थी डीजेस को, तो हमेशा मन करता था कि मुझे भी कुछ करना है। कुछ ऐसे एपिसोड्स हुए लाइफ में कि मैं, मेरे फ्रेंड्स के नाइट क्लब्स हैं, तो मैं जब डीजे कंसोल पर खड़ी होती थी तो लोग जो रिएक्शन होता था मुझे देखकर वो बहुत अच्छा होता था। तो एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं, आई थिंक मुझे परस्यू करना चाहिए। एंड मुझे काफ़ी कहते हैं ना, किसी को एक नैक होती है म्यूज़िक की, तो मुझे काफ़ी टाइम से थी। सो आई थॉट कि चलो लेट मी ट्राई, और लकीली कि सब अच्छा हो गया। She performed her first gig in one of Mumbai's club and since then she has been playing all over the country. So let's know something about her genre. I play house music. I play good commercial house and I play electro house, techno and obviously Bollywood. Chahe acting ho ya DJing, ye dono hi professions ka vaasta creativity se hai. Aur Shilpi ne apne craft of work ke zariye apni personality mein kafi kuch add kiya. In acting, I have to beautify myself. I have to constantly look good. I'm in front of the camera. So my job is basically to look good and act. DJing is, I should say, it is not a, child's play. It's very, very difficult. So a lot of hard work I had put. I studied for like good 1 year for this. And it's just a difference that I'm behind a camera, I'm at the DJ console entertaining people. So basically I'm entertaining in both the fields. It's just that I have a little more respect today for the musicians, for the DJs, because I know it's not an easy task, because when you stand entertaining a crowd, like in one night there are people, somebody's sad, one person is angry, they leave their work, they come here to drink, they come with one hope, is like today we want to let go, we want to be happy. So the DJ has to play a very big job of entertaining not one but 100 people with the same track or the same song, and that's a very difficult task. So I'm a much better person and I'm very happy whatever I'm doing today. Female DJ banna itna bhi aasan nahi hai. Raat ko night clubs mein perform karna कभी कभी फीमेल डीजेस के लिए मुश्किल हो जाती है और कभी कभी उन्हें ईव टीजिंग जैसे चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा होता है कि आई नीड बाउंसर्स, ऑलवेज सिक्योरिटी अराउंड मी। एक तो बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस, तो लोग ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, इंक्विजिटिव होते हैं कि अच्छा एक्ट्रेस है, प्ले भी कर रही है, तो ऑलवेज जजिंग मी। सेकेंडली, एक्ट्रेस इज सपोज टू बी ग्लैमरस। मेरी जो इमेज है वो एब्सोल्यूटली इट्स बीन ग्लैमरस, तो थोड़ा डर लगता है कि कोई भी चलते फिरते कुछ भी मुझे टच कर दे, ये हो जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ है न्यू ईयर्स नाइट पर कि डीजे कंसोल पर लोग खड़े हो गए, समबडी वॉन्टेड टू टच माई हैंड, समबडी वॉन्टेड टू किस माई हैंड, पीपल वॉन्टेड टू क्लिक पिक्चर्स, लाइक देर आर 4 बाउंसर्स, वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे थे, मेरे रूम तक लोग आ गए थे। सो यस, आई एम लिटिल स्केयर्ड एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि फीमेल्स के साथ होना चाहिए। तो ये हुई डीजेइंग की बात, आइए अब जानते हैं इनके एक्टिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। एक्टिंग के फील्ड में काफ़ी, अभी थोड़ा बीच में कम हो गया था बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर, तो मैंने हीरोइन के बाद ब्रेक ले लिया था। एक दो फिल्म साइन करी थी बट अनफॉर्चुनेटली आई लेफ्ट द फिल्म्स किसी वजह से। अभी वापस मेरे पास 2-3 फिल्म हैं, लेट्स से इट शुड स्टार्ट बाय नवंबर। शनिवार को चंडीगढ़ के बस में डीजे शिल्पी ने परफॉर्म किया और इनका परफॉर्म करना यहाँ पर रहा अच्छा एक्सपीरियंस। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह अपने म्यूजिक से शिल्पी लोगों को एंटरटेन करते रहें। कैमरामैन कुलजिंदर सूद के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।